नहीं और आने वाले एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धांधली और सेटिंग रोकने के लिए हम सब मिलकर सीबीआई जांच कराएंगे और धांधली और पारदर्शिता लाएंगे। बीपीएससी आयोग हाय हाय कि हुजूर आपके सिस्टम में जो घुल लग गया है, आपके सिस्टम में जो भ्रष्टाचार चरम उत्कर्ष पर है, जो हर एग्जाम में धांधली सेटिंग हो रही है, उसको आप बंद कीजिए। हुजूर नीतीश कुमार जी से विनती कर रहे हैं, ये 6 लाख अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप उस पर संज्ञान लीजिए और न्याय कीजिए। हमें कोई शौक नहीं आंदोलन करने का। देखिए तमाम अभ्यर्थी जो है बीपीएससी के वो लोग एकजुट हो चुके हैं और यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। महाआंदोलन का आगाज कर दिया गया है। धीरे धीरे यह मार्च यहाँ से निकलते हुए गांधी मैदान से होते हुए आगे बढ़ेगी। हालांकि पुलिस फोर्स की भी तैनाती जगह जगह पर मुस्तैद कर दी गई ताकि उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है एक साथ नारा लगा रहे हैं। देखिए लगातार जो है छात्रों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, भीड़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि बीपीएससी की सीबीआई जांच कराई जाए और बीपीएससी जो है अब अमरेंद्र लोक सेवा आयोग बन गया है, उसको लेकर के लगातार जो है अभ्यर्थियों की नाराजगी है। देखिए महाआंदोलन पैदल मार्च का ये बैनर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर के माध्यम से, और जो लोग हैं महिलाएं छात्राएं जो है वो आगे है, पीछे जो छात्र है अभ्यर्थी है वो लगातार लगे हुए हैं। और जो आंदोलन है बड़ा आंदोलन है, इसके पहले भी आप देख सकते थे कि कुछ दिन पहले महाआंदोलन किया गया था, लेकिन आज फिर से एक बार लोग जो है अभ्यर्थी जो है यहां से निकलेंगे और पैदल मार्च करते हुए गांधी मैदान से आगे बढ़ेंगे। देखिए आज हम लोग शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकाल रहे हैं और हमारा उद्देश्य है पैदल मार्च का जो पटना कॉलेज से हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाए कि हुजूर आपके सिस्टम में जो घुल लग गया है, आपके सिस्टम में जो भ्रष्टाचार चरम उत्कर्ष पर है, जो हर एग्जाम में धांधली सेटिंग हो रही है, उसको आप बंद कीजिए हुजूर, नहीं तो ये जो आंदोलन है क्रांति का रूप ले लेगा और बिहार के हर जिले में आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो हम सरकार से नीतीश कुमार जी से विनती कर रहे हैं, ये 6 लाख अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप उस पर संज्ञान लीजिए और न्याय कीजिए। हमें कोई शौक नहीं आंदोलन करने का। आप धांधली से भी किसी भी जांच कराइए, पेपर लीक की सीबीआई जांच कराइए, ई ऑप्शन को हटवाइए, पीटी का रिजल्ट अपीयरेंस का 10% दिया जाए और पीडीएफ में जो छेड़छाड़ हुई, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, जो एक्सपर्ट टीम है उसको बाहर किया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। बीपीएससी ऑफिस के अंदर जितने भी अधिकारी, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार हो या कोई और भी हो, जो 3 साल से ज्यादा से है कर्मचारी अधिकारी, उनको हटाया जाए। और महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की मूल निवासी छात्राओं को, बेटियों को ही मिलना चाहिए। सचिवालय, सहायक दरोगा, सिपाही, बीपीएससी सभी में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और 300-400 स्टूडेंट जो आरा के सेंटर पे अलग रूम में जिनको एग्जाम दिला जा रहा था, उन पर क्या कार्रवाई हुई सरकार बताए, बीपीएससी बताए। तो हम लोग की यही मांग है और सरकार से हम लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय करें। हम लोग को कोई शौक नहीं है सड़क को उतर के आंदोलन करने का। अभी हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ से गांधी चौक जाएंगे, वहाँ से फिर मुसल्लापुर हाट, फिर मुसल्लापुर हाट से भिकना पहाड़ी, भिकना पहाड़ी से नया टोला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धांधली और सेटिंग रोकने के लिए हम सब मिलकर सीबीआई जांच कराएंगे और धांधली और पारदर्शिता लाएंगे। बीपीएससी आयोग हाय हाय पहले लड़ते गौरव से, हाथ करेंगे चोरों से, पहले लड़ते गौरव से, हाथ करेंगे चोरों से, पहले लड़ते गौरव।
लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।